हेलो क्लास सेवेंथ स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल एंड ऑल राइट एंड फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस। बार बार हाथ धो रहे होंगे आप मेरे कहने से, और बार बार मास्क बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जा रहे हैं, सारे कायदे कानून अपना रहे होंगे, सावधानी पूरी बरत रहे होंगे। ठीक है, चलिए आज हम क्लास सेवेंथ के लॉन्ग आंसर टाइप करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, हमने शॉर्ट आंसर टाइप कर लिए, वेरी शॉर्ट टाइप आंसर कर लिए, अब लॉन्ग आंसर टाइप करेंगे। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। सिल्क को सिल्क वॉर्म से कैसे निकालेंगे उसको प्रोसेस देखते हैं उसका। ठीक है, द सिल्क वॉर्म आर प्लेस्ड ऑन मलबेरी लीव्स वाइल फीडिंग ऑन दिस लीव्स। जो सिल्क वॉर्म है वो किस पर रहता है? मलबेरी लीव्स। वो उसका कहता है मलबेरी लीव्स को खाता रहता है। कौन सा खाता है? उस पर मलबेरी लीव्स को खाता रहता है। जो वॉर्म है वो प्रोड्यूस सलाइवा, मतलब एक तरीके से राल टाइप की निकालता है इस टाइप की। दे यूज देयर सलाइवा टू कवर देयर बॉडी इन अ सिंगल थ्रेड एंड फॉर्म अ कोकून। वो अपनी पूरी उस सलाइवे से एक तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकालता है, जिससे कि वो अपनी पूरी बॉडी को ढक लेता है और क्या बना देता है? कोकून बना देता है। क्या बना देता है? कोकून। दीस कोकून आर कलेक्टेड एंड बॉइल्ड इन वाटर विच गिव्स द वॉर्म इनसाइड द कोकून एंड ऑल्सो रिमूव द फैटी सब्सटेंस दैट होल्ड द फाइबर टुगेदर। क्या करता है? इन कोकून को कलेक्ट करे जाते हैं, सारे कोकून ले लिए हमने, ठीक है, बॉइल करे जाते हैं, जिससे कि जो अंदर बेचारा जो कोकून के ऊपर जो थ्रेड जिसने बनाया, जो अंदर वो कैच हुआ है, वो जो हमारा सिल्क है, सिल्क वॉर्म है, वो तो अंदर से मर जाएगा बेचारा, वो पूरा क्योंकि पक जाएगा, बिल्कुल मर गया। और वो क्या कर देता है? रिमूव कर देते हैं फैटी सब्सटेंस, कुछ भी उसके फैटी सब्सटेंस उस थ्रेड के ऊपर, वो सब कर रिमूव कर दिया और इस सारे थ्रेड को एक जगह मिला लेते हैं वो। द ककून्स आर देन ब्रश टू रिमूव एनी अनडिजरेबल पार्टिकल स्टिकिंग ऑन द सर्फेस। अगर कोई ककून के ऊपर फिर खूब रगड़ते हैं, जैसे ब्रश से आपकी मम्मी वो कपड़े रगड़ती है ना, ब्रश से ऐसे रगड़ते हैं जिससे कि कोई दाने वाने कुछ भी, मतलब कुछ अलग से कुछ भी पार्टिकल रह गया हो, कुछ भी चीज़ रह गई हो, वो भी निकल जाए। फिर द बॉयल्ड ककून्स आर ड्राइड एंड सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम दैम बाय रीलिंग इट्स स्पेशल मशीन। फिर उन बॉयल्ड ककून को क्या करते हैं? सुखा दिया जाता है, सिल्क फाइबर उसमें से निकाल दिया जाता है, एक स्पेशल मशीन होती है जैसे कहते हैं रीलिंग मशीन, और इससे कि सारे फाइबर को अनवाइंड कर दिया जाता है। कोई भी जैसे गुड़मुड़ी सी बन रही हो आपकी, तो एक तरीके से पूरा थ्रेड सा बन जाता है, इसी से ककून से वो बन जाता है, यही प्रोसेस होता है। अब हम पढ़ते हैं, एक्सप्लेन हाउ सिंथेटिक क्लोथ आर बेटर एज कम्पेयर टू क्लोथ ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक क्लोथ क्यों हमारे अच्छे होते हैं नेचुरल फाइबर से? देखिए, सिंथेटिक क्लोथ एक तो सस्ते भी होते हैं, चीप होते हैं, दूसरे ये बस हमारा एक काम नहीं करते, समर में हमारा पसीना नहीं सूख पाते, इसलिए हम नेचुरल फाइबर का कॉटन क्लोथ पहनते हैं। अगर एक पसीना भी सूखने लगे तो हम यही करें, क्योंकि ये बहुत सस्ते होते हैं और इस पर सलबटें नहीं पड़ती और अच्छे भी लगते हैं, सुंदर लगते हैं, मतलब बहुत अच्छी वेराइटी आती है। जैसे आप पार्टी वियर ड्रेस पहनते हैं, ज़्यादातर वही ड्रेस उसकी होती है। सिंथेटिक फाइबर्स आर बेटर एज कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर बिकॉज सिंथेटिक फाइबर लाइटर, हल्के होते हैं और स्ट्रॉन्गर होते हैं नेचुरल फाइबर। कितना भी वो कर लो फटते नहीं है, मतलब खूब चलते हैं। सिंथेटिक फाइबर मेंटेन इट्स क्रीज एंड ड्राइज क्विकली। अपनी क्रीज जो है वो मेंटेन रख के रखता है, बिल्कुल ऐसी रहता है, सीधा कपड़ा धो के भी और ड्राइज, मतलब जल्दी से सूख जाता है। सिंथेटिक फाइबर एक इंसुलेटर का काम करता है टू स्केपिंग बॉडी ऑफ हीट टू सराउंडिंग की हीट को करने के लिए, ठीक है, वो करता है। जब सर्दियों में हम पहनेंगे उसे सिंथेटिक क्लोथ को, तो वो हमारी अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं जाने देगा, बिल्कुल अंदर ही छुपा कर रहेगा। इसलिए हम ज़्यादातर सिंथेटिक की शर्ट आती है हमारी गर्मी सर्दियों के टाइम पर, तो इसलिए पहनते हैं कि हमारी वो इंसुलेटर का काम करता है, कि जो हमारी अंदर की गर्मी वो बाहर नहीं जाने देता, जिससे कि हमें ठंड भी नहीं लगेगी, ठीक है, अंदर ही अंदर रखा रहता है। इसलिए ये आपका आज का चैप्टर में यही आपके लास्ट क्वेश्चन थे। अब हम अगली बार में नया चैप्टर शुरू करेंगे। अगर कुछ भी कन्फ्यूज हो ना, आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, और सब बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूँ जल्दी से जल्दी अपना कोर्स खरीदें। कोर्स से ये होगा कि आपकी पढ़ाई और अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना? ठीक है, थैंक यू सो मच।